नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मंडे को कौन से ट्रेड्स लेने हैं पांच स्टॉक्स पे और निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। जिस तरीके से एक शार्प फॉल हम लोगों ने देखी है निफ्टी बैंक निफ्टी पूरी मार्केट पे, तो अब हमें किस तरीके से ट्रेड्स लेने हैं, कौन से ट्रेड्स लेने हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी। सो इस पूरी नॉलेज की बात करेंगे इसी वीडियो पे। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वो स्विंग ट्रेड की वीडियो जो चार्ट ऑफ द वीक है वो वीडियो अपलोड हो चुकी है कि आप अगले हफ्ते कौन से स्टॉक को बाय कर सकते हैं एक हफ्ते के लिए, और मैंने उसमें एक नहीं दो बताए हैं, प्लस उस पर एक बेनिफिट और एक एक्स्ट्रा चीज और प्रोवाइड करवाई है कि आप अपने पोर्टफोलियो पे कौन से सेक्टर को रख सकते हैं प्लस उस सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो वीडियो थोड़ी सी लेंदी है, बट अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ नॉलेज के साथ साथ और कुछ अर्न करने का भी उसमें फ़ायदा मिल सकता है। तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो आपको शो कर जाएगी इस आई बटन में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर भी शो कर जाएगी। तो आप तीनों जगह से जाके उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया हूँ वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री। पिडिलाइट इंडस्ट्री का स्टॉक है, आप देख सकते हैं कि मैंने सारे टॉप्स को टेस्ट करा हुआ है और एक लाइन ड्रॉ करी है। वो लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे पता चला एक हायर साइड पर रेजिस्टेंस है। दूसरी बात अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ क्योंकि अब हमें इस साइड में स्टडी करनी है। जूम करने के बाद पता चलता है ये एक फर्स्ट टॉप था, ये एक सेकंड टॉप है। सो एक मार्केट ने एक अपसाइड रैली दी, डाउन आया, दोबारा ऊपर गया, डबल टॉप टाइप सिनेरियो बनाया, अब दोबारा नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे लेना पड़ता है, डबल टॉप डबल बॉटम पे ये है। अब स्टॉक अगर यहां से मिल जाइए, मैं दोबारा करता हूं, ये स्टॉक यहां पर आ चुका है, डबल टॉप बना चुका है। डबल टॉप बनाने के बाद अब हम लोगों को ट्रेड लेना है अगर डबल टॉप पे, तो हम सेल का लेंगे। अब सेल का ट्रेड कब लेना है, देखिए दो तरीके हैं। सेफ ट्रेडर ले सकते हैं इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे जाए तो सेफ ट्रेडर ले सकते हैं। रिस्की ट्रेडर्स कैसे ले सकते हैं, यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और ऐसे बढ़ा दो, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट हमारा जो भी ये लेवल निकल के आता है। सो अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता चलता है ये लेवल ब्रेक हो चुका है। सो अगर इस लेवल के नीचे जाता है कल तो हम लोग एक शॉट इनिशिएट कर सकते हैं या फिर इसका भी वेट कर सकते हैं, दोनों ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6-10 रुपये का ही डिफरेंस है। सो पिडिलाइट एक शॉट है, एंट्री और एंट्री कब करनी है और टारगेट क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं और फेक अकाउंट्स भी बने हुए हैं टेलीग्राम चैनल के, तो आप जाके चेक करिएगा कि आपको कौन से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है, ठीक है। तो मैंने आपको जो लिंक दे रखा है उसी पे ज्वाइन हुएगा, उसका नाम है @first_investment, ठीक है, first_investment है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। किसी ने फेक अकाउंट बना रखा है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफिशियल के नाम से, तो उसे हमें ज्वाइन नहीं करना है। सेकंड स्टॉक आता है DLF। अब DLF पे भी अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, या अब इधर आप देखिएगा DLF पे कि यहाँ पर हमने आपके लिए बताया भी था अपने ट्विटर पे कि इसके ऊपर जब कैंडल बंद करे तो एक बाय बन सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ दिस लेवल, बट इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, एक शार्प फॉल आई है, जो मतलब 4-5 दिन की जो मूवमेंट थी उसको पूरा इसने गवा दिया है और हम नीचे जा चुका है। सो अब आपको मैं अगर दिखाऊँ, यहाँ देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी इस लेवल पे, जब ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर आके एक बार सपोर्ट भी लिया है, अब दोबारा इसके नीचे जा रही है। अगर ये 142-141.5 के नीचे जाती है तो एक सेलिंग आ सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 138, तो इसको भी हम एक शॉर्ट बना के चल सकते हैं, इस लेवल तक ये दोबारा आ सकता है। सो DLF एक शॉर्ट है, और मैं सबसे पहले आप लोगों के एक इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर कर देता हूँ, वरना उसके बाद आप लोगों को डाउट्स ना रहे, ट्रेड कैसे लेना है मेरी कॉल्स पर, ठीक है। अब मेरी कॉल्स पर आप लोगों को ट्रेड कैसे लेना है वो मैं बता देता हूँ। DLF 141.5 के नीचे शॉर्ट करने के लिए बोला है, ठीक है, और सॉरी DLF नहीं, DLF अभी ट्रेड कर रहा है फॉर एग्जांपल 200 रुपये में अभी ट्रेड कर रहा है, और मैंने आपको बोला कि 199 के नीचे से शॉर्ट करना है। अब क्या होता है कि अगर ये कल खुलता है
202 पे, तो आपको तो ट्रेड ही नहीं लेना। आप ये मत सोचा करिए कि 202 पे मैं, तो मैंने कहा है तब भी मैं इसमें शॉर्ट कर देता हूँ। हमने ये सेल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेल करना है 199 के नीचे, तो ऊपर खुलता है ट्रेड नहीं लेना, अगर 199 के नीचे जाता है तो ट्रेड लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप देख सकते हैं, अगर मैं आप लोगों को 5 स्टॉक्स दे रहा हूँ तो आप अपना प्रॉफिट अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अकेले मेहनत आप लोगों के लिए नहीं कर सकता, तो वो मेहनत आप लोगों के लिए क्या है वो मैं बता देता हूँ। जिन लोगों को कुछ नहीं आता चार्ट देखना या वो देखना है, तब भी वो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, तीन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ओपन, हाई और लो, ठीक है। अब मार्केट 9:15 पे खुलती है और 9:15 पे खुलने के बाद मैंने आपको बोला कि 199 पे आपको शॉर्ट करना है। अगर उसका जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस अगर 200 रुपये है और उसका लो प्राइस भी 200 रुपये है, ओपन और लो, जब ओपन और लो सेम है तो आपको इस पे सेल नहीं करना, ठीक है। ओपन और लो मतलब बताता है कि इससे नीचे जाने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है इस लेवल से, तो हमें शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। अगर ओपन और हाई सेम होता और ये होता 205, तो आपको ओपन और हाई मतलब इससे ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हो नीचे को, ठीक है। सो आपको देखना है अगर ओपन और हाई सेम है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक को, और अगर ओपन और लो सेम है तो आप सेल करके चल सकते हो। अब आपको देखना क्या है, अगर ओपन और लो सेम है और मैंने आपको सेल का ही दे रखा है तो आप सेल बना लो, ठीक है। अगर ओपन और हाई है और मैंने आपको बाय के लिए दे रखा है, ओपन और लो सेम है और मैंने आपको बाय के लिए स्टॉक दे रखा है, ओपन और लो का मतलब है इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ओपन और लो सेम है और मैंने आपको बाय के लिए रिकमेंड करा हुआ है तो आप बाय बना सकते हो, ओपन और हाई सेम है और मैंने आपको सेल के लिए रिकमेंड करा है तो आप सेल बना सकते हो। अब ये नहीं कि मैंने आपको सेल के लिए रिकमेंड कर रखा है बट उसके लिए ओपन और लो सेम है तो आपको सेल नहीं करना, थोड़ी मेहनत खुद करोगे तभी आप पैसा कमा पाओगे, मेरे भरोसे भी आप पूरा मत रहिए। नेक्स्ट आता है नौकरी, इन्फो एज जिसे हम कहते हैं। अब इन्फो एज का भी अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। ये मेरे लिए प्रेफरेबल, मैं नहीं कहता कि मैं इसे शॉर्ट करना पसंद करूंगा, मैं तो बाय करने के लिए ही सोच रहा हूँ इस लेवल पे, बट तब भी आप देख सकते हैं एक स्ट्रांग गिरावट आई, ये वाली रेड कैंडल, अंदर इसने एक इनसाइड कैंडल बनाया और दोबारा एक इनसाइड कैंडल है। जैसे ही ये लेवल कल तोड़ेगा, इस लेवल को तोड़ने के बाद एक अच्छी खासी सेलिंग इसमें आ सकती है। सो कल हम इसको भी वॉच करके चल सकते हैं, जो भी एंट्री लेवल्स होंगे आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे थ्रू टेलीग्राम चैनल। कैडिला आता है अब नेक्स्ट स्टॉक, कैडिला को मैं बाय करने की सलाह दूंगा। ये आप देख सकते हैं एक चैनल के अंदर ही काम कर रहा था, इस चैनल का ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया नीचे आया रीटेस्ट, ऊपर गया नीचे आया रीटेस्ट, अब दोबारा ऊपर जा रहा है। सो ऊपर जा रहा है तो हम एक बार बाय पोजीशन इसमें बना सकते हैं, 400 से 403 रुपए का एक टारगेट हम लेकर इस पर चल सकते हैं, ठीक है। सो ये भी हमारे लिए बाय है और हमारे लिए जो प्रॉफिटेबल टारगेट आ रहा है वो इस लेवल के आसपास का आ रहा है, ठीक है। लास्ट स्टॉक जो आता है वो आता है कोल इंडिया। अब कोल इंडिया पे भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो अपनी बॉटम वाली रेंज से ऊपर की साइड जाने में कोशिश कर रहा है, और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर एक फॉल आया, ऊपर गया, फॉल आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, अपने लो को ब्रेक नहीं करा जिस तरीके से इसने अपने यहाँ की लो को ब्रेक करा था। और एक इंपॉर्टेंट बात और देखने वाली है कि जब यहाँ से ये फॉल कर रहा है तो एक शार्प ऐसे फॉल नहीं कर रहा, ये किस तरीके से आ रहा है ये देख रहे हैं, ये एक राउंडिंग बॉटम टाइप बना रहा है, ये देख रहे हैं, बॉटम राउंडिंग बॉटम टाइप बना रहा है और अब इस लेवल के ऊपर जा रहा है। तो कल अगर ये 132.5 के ऊपर जाता है तो एक बाय पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 135-136 का, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे डायरेक्टली आ जाते हैं, निफ्टी पे जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूं, या निफ्टी पे यहां पर आप देख सकते हैं कि एक शार्प फॉल इस लेवल से हमें देखने को मिली और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट था, जो मैंने लोस थे लोस को जब टेस्ट करा और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो यहीं पर इसने सपोर्ट लिया है। अब दूसरी बात, अगर मैं इसको डेली चार्ट पे को हटा के आर्ली चार्ट पे लेकर आता हूँ तो वहाँ पर आपको और अच्छे से क्लैरिफाई होगा। इस बात को ध्यान से देखिएगा कि ये देख सकते हैं कि ये जो गैप्स थे ना, ये गैप्स जो फिल नहीं हुए थे, ये गैप्स को फिल कर दिया था आज के सेशन पे, फ्राइडे के सेशन पे निफ्टी ने। अब ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, ये एक हैमर कैंडल बनी है
और अब उसके ऊपर, इसके ऊपर जैसी कल मार्केट निकलती है जो कि 11,200 का लेवल है, 11,200 के ऊपर अगर जैसी कैंडल क्लोज कर जाती है एक ग्रीन कलर पे, तो यहाँ पर अब आप लोग एक बाय पोजीशन बना सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस जो होगा वो स्टॉप लॉस आपका ये लेवल होगा 11,100 का, ठीक है, 100 रुपये नीचे होगा। अब जितना पॉइंट, जितना ये ऊपर जाएगा, अगर ये 50 रुपये ऊपर जाता है तो अपना स्टॉप लॉस को 50 रुपये ऊपर ट्रेल करिए। इस तरीके से अपने बाय पोजीशन को ट्रेल करते रहिए। और सेल हमें कब करना है, सेल हम तभी करेंगे जब ये जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहीं से शार्प मूव आई है ना, बहुत ज़्यादा शार्प मूव यहाँ से आई है, सो जैसे ही ये लेवल टूटेगा जो कि 11,100 का लेवल है, तब हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी पे भी सिंपल सेम है, बैंक निफ्टी पे भी आप यहाँ देख सकते हैं कि एक शॉर्प रैली आई, एक इसने एक डोजी, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बुलिश हैमर टाइप सिनेरियो बनाया है। अब उसके ऊपर कल जैसे ही ये 21,730 के ऊपर निकलती है, एक बाय बना सकते हैं। स्टॉप लॉस ये होगा, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए जितना ये प्रॉफिट आपको देकर जा रहा होगा, और अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते रहिए जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग एक शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रांग लेवल है, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। कल मंडे को आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वीडियो शो कर रही होगी कि आप लोग एक हफ्ते के लिए कौन से दो स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, प्लस पोर्टफोलियो पूरा आप लोगों को रिकमेंड करा गया जो मेरे पास खुद की भी है और जो नए स्टॉक्स में बाय करने के लिए सोच रहा हूँ। सो इस वीडियो को क्लिक करके आप वीडियो पर जा सकते हैं डायरेक्टली और देख सकते हैं। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर यही हमारी सीरीज आप लोगों को बेनिफिशियल दे रही है तो हमारे कमेंट सेक्शन पर हमें ज़रूर बताएगा, और इस वीडियो पर लाइक्स आप जरूर दीजिएगा। सो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि आप मेरी नई लेटेस्ट वीडियोस को हर दिन देख पाएं।